अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट चौराहे की समस्या जब जिले के अखबारों में छाई तब जिलाधिकारी को वहां की याद आई। जिलाधिकारी ने सोमवार को सेंटर पॉइंट चौराहे का भ्रमण कर निर्माण कार्य में देरी के संबंध में अधिकारियों की पेशकशें। जिलाधिकारी ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही सेंटर पॉइंट चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आपको बताते चलें कि त्योहारों के चलते सेंटर पॉइंट चौराहे का सौंदर्यीकरण होने के चलते सड़कें खोल दी गई हैं, जिससे ग्राहकों को दुकानों में आने में दिक्कत हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में सेंटर पॉइंट चौराहे के बाजारों की रौनक उड़ गई है, जिससे उन्हें खासा नुकसान हो रहा है। हालांकि सोमवार को जिलाधिकारी ने भ्रमण कर पूरे मामले को देखा और जल्द से जल्द अधिकारियों को इस सेंटर पॉइंट चौराहे का सौंदर्यीकरण करने की बात कही। बहुत सारी भ्रांतियां लगातार समाचार पत्रों में आ रही थी कि सड़क की चौड़ाई, फुटपाथ जो बन रहा है, फुटपाथ के वजह से सड़क की चौड़ाई घट रही है। उसी के बारे में आया, हमने यहाँ से लोगों से, जो यहाँ के लोकल व्यापारी लोग हैं उनसे बात हुई, जनप्रतिनिधियों से बात हुई है, अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है, तो उसमें ये डिसाइड हुआ है कि नाले के ऊपर से हम लोग फुटपाथ ले लेंगे ताकि सड़क और चौड़ी हो जाए। साथ में हमारे नगर आयुक्त हैं। ये पूरा जो डिज़ाइन बना हुआ है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें होंगी वो सब बहुत अच्छे तरीके से निकल के आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, समय लगता है काम में, क्योंकि बिजली के शिफ्टिंग की वजह से समय ज़्यादा लग गया, इस वजह से काम में विलम्ब हुआ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब जो बचा हुआ समय है उसमें युद्ध स्तर पर काम करके हम लोग इसको समय से पूरा करेंगे। व्यापारियों ने कहा था काली दिवाली में, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं।